तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। सबसे पहले आप सभी मेरे भाइयों को या बोल सकते हैं आप मेरे सभी यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मेरे आज 25K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, या फिर बोल सकते हैं 25K की मेरी यूट्यूब फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, जैसा कि मैंने कल वीडियो बना के बताया, इसमें मैंने बताया था बिग मिलियन सेल्स के ऑफर्स के बारे में जो कि फ्लिपकार्ट पे आएगी। कंफर्म डेट नहीं बताई थी, बट मैंने बताया था कि आने वाले टाइम पे ये वाले ऑफर्स आ सकते हैं, ये वाले मोबाइल्स पे ये ऑफर आ सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, मैं आपको यहाँ पर कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपने जो ऑर्डर हैं लगा सकते हैं बिफोर आउट ऑफ स्टॉक। मतलब जैसा कि आपको बताया है कि सेल्स में क्या होता है, बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, फिर नेक्स्ट डे ये वाला फ़ोन या वाली प्रोडक्ट जो भी आप लेना चाह रहे हो, नेक्स्ट डे आपको 2 से 3 हज़ार या 5 हज़ार तक महंगी मिल जाती है। ये होता ही है ऑफर्स में। तो यहाँ पर आपको मैं 5-6 टिप्स बताऊँगा जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो 99% चांसेस है कि वो आपको ऑर्डर आपका प्लेस हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले मिले, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड वीडियो अब कंटिन्यू बनाऊंगा ताकि आपको एक एक चीज़ अपडेट्स मिलती रहे, क्या क्या मोबाइल में क्या क्या प्रोडक्ट्स आए या बोल सकते हैं क्या क्या ऑफर्स चल रहे हैं सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला जो चीज़ आपको करनी है, यहाँ पर जैसा कि आपको पता होगा आईफोन्स पे सबसे ज़्यादा ऑफर्स मिलते हैं, और या बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा मोबाइल्स में ही ऑफर मिलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ पे ही ऑफर्स आते हैं ये वाले सेल्स में। चाहे ग्रेट इंडिया अमेजोन की ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल पे देख लो, चाहे आप फ्लिपकार्ट की बिग मिलियन सेल देख लो, दोनों पे सेम आपको ऑफर्स मिलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना बजट को डिसाइड कर लेना है। मान लो आपका बजट है 40 से 50 हज़ार रुपये, या 50 से 60 हज़ार रुपये, या 20 से 30 हज़ार रुपये, या 10 से 15 हज़ार रुपये, या कोई भी आपका बजट हो, पहले आपको अपना एक बजट को फिक्स कर लेना है। फिर उस बजट के हिसाब से अपना प्रोडक्ट को चूज़ कर लेना। लाइक आपका बजट है 30 से 40 हज़ार रुपये का, जैसा कि मैंने अपने पुरानी वीडियो में बताया है, आईफोन 13 की उम्मीद है कि आपको वो 40 हज़ार के आसपास तक मिल जाए, 30-40 के आसपास या 40 से 45 के बीच में आपको आईफोन 13 मिलेगा, iPhone 13। ठीक है, मान लो अगर आपको iPhone 13 लेना है और आपने अपना बजट बनाया है 40 से 45 का, ठीक है, अब आपने बजट अपना चूज़ कर लिया, बजट चूज़ करने के बाद आपने अपना प्रोडक्ट चूज़ कर लिया। आप ऐसा नहीं करें कि जब आप ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं, पता ले आज सेल खुली है 12 बजे और आप दिख रहे हैं यार ये, जैसा कि मान लो आपने आज सेल खुली, आज आप बुकिंग करते हैं, दिख रहे हैं कि यार मैं 5 हज़ार और मिला लूँगा तो iPhone 14 ले लूँगा या फिर iPhone दूसरा ले लूँगा, ऐसा नहीं सोचना है। आपको पहले अपना माइंड सेट करना है कि आपको मोबाइल लेना कौन सा है, या फिर कोई भी जो प्रोडक्ट ले रहे हो लेना कौन सा है, सीधा उसी प्रोडक्ट पे ही जाना है, ना उसका कोई दूसरा प्रोडक्ट देखना है ना कुछ देखना है। और सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, कलर का कोई वो मत करना। मान लो आपको ब्लैक कलर ही लेना है, तो जो प्रीमियम्स कलर्स होते हैं, या फिर बोल सकते हैं जो स्टैंडर्ड कलर होते हैं, वो बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। लाइक ब्लैक, वाइट, ये कलर सबसे जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होते हैं। तो आपको जो कलर मिल रहा है पहले तो वो चले जाना है ताकि आप इजीली बुक कर सकें बिफोर आउट ऑफ स्टॉक। कलर को भी ज़्यादा प्रेफर नहीं देना, सबसे पहले अपना प्रोडक्ट चूज़ कर लेना है, सबसे पहले अपना बजट चूज़ करना है, सेकंड अपना प्रोडक्ट चूज़ करना है कि कौन सा लेना है, सिर्फ उसी पे जाना है, तीसरा अपना प्रोडक्ट का कलर चूज़ कर लेना है। ये चीज़ सबसे पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज़ आपको क्या करना है, जिस दिन सेल चालू होती है सेल से पहले ही आपको अपना क्या करना है, अपना प्राइम मेंबरशिप या फिर बोल सकते हैं फ्लिपकार्ट की प्लस मेंबरशिप को चेक कर लेना है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कहीं भी अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली से, कहीं से भी उसको अरेंज करें, या फिर हो सके तो उसको परचेज कर लीजिए, बिकॉज आपको वो लेने से आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो प्रोडक्ट आपका इजीली बुक हो जाएगा। बिकॉज जो प्राइम मेंबरशिप और प्लस मेंबरशिप में होता क्या है, एक दिन पहले ही सेल चालू हो जाती है। लाइक मान लो जो नॉर्मल मेंबर है या बोल सकते हैं नॉर्मल यूज़र है, मान लो मेरा अकाउंट नॉर्मल यूज़र का है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ, मेरा अकाउंट नॉर्मल यूज़र का है, मैं आपको एक बार खोल के भी दिखाऊँ, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे ये मेरा अकाउंट नॉर्मल यूज़र का है। अगर मुझे यहाँ पर प्राइम मेंबरशिप या फिर बोल सकते हैं प्लस मेंबरशिप लेनी है तो मुझे यहाँ पर अपने अकाउंट में आना होगा। अकाउंट में आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्सप्रेस प्लस का ऑप्शन, वहाँ जाना होगा। वहाँ जाने के यहाँ पर कुछ कंडीशन लिखी हुई है कि तभी आपको प्लस मेंबरशिप मिलेगी। मिनिमम आपने 1 साल के अंदर 4 ऑर्डर करेंगे तो आपको आपको प्लस मेंबरशिप मिल जाएगी फ्लिपकार्ट की, और अगर आपने 8 ऑर्डर किए होंगे तो प्लस
आठ प्लस प्रीमियम मेंबरशिप मिल जाएगी। दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों में डिफरेंट ये है कि प्लस वाले में क्या होगा, जो सुपर कॉइन होते हैं ना वो थोड़े से कम मिल परसेंट में मिलते हैं, और जो प्लस प्रीमियम वाले में और ज़्यादा सुपर कॉइन मिलते हैं। बस दोनों में यही अंतर है, दोनों में सेल आपको पहले ही मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि बाद में सेल मिलेगी, दोनों पर आपको पहले ही सेल मिलेगी। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, नीचे लिखा भी हुआ है अप टू 5% डिस्काउंट ऑन करोड ऑफ यूजिंग सुपर कॉइन। सुपर कॉइन मिलेंगे आपको यहाँ पर अलग से, और पूरी चीज़ यहाँ पर आप पढ़ भी लेंगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि आप पहले ही एक्सेस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको फ्लिपकार्ट में, अगर जैसा कि आपको पता ही होगा सेल आने से पहले ही उसके प्राइस पहले ही आ जाते हैं, तो आपको पहले ही देख लेना है कि अगर आपको फ्लिपकार्ट से लेना है तो सिर्फ आपको फ्लिपकार्ट पे ही जाना है। तो वहाँ पर आपको करना क्या है, मान लो आपके पास प्लस मेंबरशिप, जैसा कि मेरे पास भी नहीं है, प्लब या प्लब प्लस प्रीमियम नहीं है, तो आपको अपने फ्रेंड सर्कल में, किसी फैमिली सर्कल में आपको वहाँ पर मेंबरशिप पहले तो लेके रख लेनी है। आप सकते हैं उसका अकाउंट आपको लेके रखना है, लॉग इन करके रखना है, नहीं तो आपको दिक्कत ना हो, या फिर उसको ही बोल के रखना है कि भैया आप मेरा ऑर्डर प्लेस कर दें। तो ये सबसे पहले चीज़ है, और हो सके तो 2 से 4 लोग आप ट्राई करें, मतलब 2 या 3 लोग फ्रेंड्स होते हैं ना सब इकट्ठे एक ही टाइम पे ट्राई करें, तो उससे और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। और जैसा कि मान लो एक दिन पहले अगर सेल चालू होती है, मान लो सेल चालू होने वाली है 25 सितंबर को नॉर्मल यूज़र के लिए, तो प्राइम यूज़र के लिए, प्लस यूज़र के लिए 24 सितंबर को सेल चालू होगी। तो आपको क्या करना है, 23 सितंबर को रात को 12 के बाद ही बुकिंग चालू करनी है, उसके रात के 12 से 1 बजे तक के बीच में ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो आपको उसको ऑन उसी टाइम बुकिंग कर लेना है 23 तारीख की रात में 12 के बाद। और हो सके तो आप अपने उसको बुक करने में आप वेबसाइट का यूज़ करें। वेबसाइट में क्या होता है, 99% लोग या 90% लोग ज़्यादातर ऐप्स का यूज़ करते हैं, और ऐप ज़्यादा लोग यूज़ करने के कारण ऐप में लोड ज़्यादा हो जाता है, तो ऐप स्लो हो जाता है, ऐप के वहाँ पर क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इस चक्कर वहाँ डिले प्रोसेस होती है। तो आप वहाँ पर वेबसाइट में जाएंगे तो हो सकता है वहाँ से आप जल्दी की बुकिंग कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है आपको, आपको कार्ड का जुगाड़ करके रखना है, कार्ड का, जिससे आपको हैवी डिस्काउंट मिल सके और बहुत जल्दी आपकी बुकिंग हो सके। बिकॉज आप वहाँ पर अगर COD ले नहीं सकते, COD अगर आप लेंगे तो हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट आपके पास आने से पहले ही कैंसिल हो जाए, ऑर्डर कैंसिल हो जाए। तो हमेशा आप प्रीपेड ऑर्डर लें, प्रीपेड ऑर्डर कैंसिल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो प्रीपेड ऑर्डर हमेशा डिलीवर्ड होते ही हैं। तो आप प्रीपेड ऑर्डर लें, प्रीपेड ऑर्डर के लिए आप जो भी आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी आपने कहीं से आपके पास है, तो आप अपने प्रोफाइल में पेमेंट सेक्शन में ऐड करके रखें, ताकि आप उस टाइम फिलअप ना करें और फटाक से आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए। तो ये चीज़ आपको करके रखनी है। और अगर आप अमेजोन से लेना चाहते हैं तो अमेजोन का प्राइम मेंबरशिप आप वहाँ पर परचेस कर सकते हैं, तो अमेजोन का प्राइम मेंबरशिप भी आप लेके रखें, उसमें भी आप एक दिन पहले ही बुकिंग कर सकते हैं। तो ये जो टिप बताई ना, ये 100% वर्क करने वाली है। आप उसके थ्रू अगर वो बुक करेंगे तो आपका प्रोडक्ट का चांसेस ज़्यादा है कि आपका ऑर्डर प्लेस हो जाए। सबसे पहले आपको करना है क्या है, अपना बजट डिसाइड करना है, अपना प्रोडक्ट डिसाइड करना है, प्रोडक्ट के बाद अपना कलर डिसाइड करना, मतलब कलर पर ज़्यादा वो मत करना, ये कलर नहीं वो कलर नहीं, जो कलर अवेलेबल मिल रहा है आपको उसको बुक कर लेना है। उसके बाद वहाँ पर आपको प्राइम मेंबरशिप प्लस मेंबरशिप की भी देखना है, अगर आपके पास फ्लिपकार्ट का नहीं है तो आप उसका कहीं से भी जुगाड़ करके रखें, अमेजोन का आप वहाँ पर खरीद सकते हैं प्राइम मेंबरशिप, तो ये करना है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड की डिटेल को ऐड ऑन करके रखना है, ताकि आप इजीली उसको वहाँ पर बुक कर सकें, और हो सके तो आप वहाँ पर वेबसाइट का यूज़ करें, जिससे और ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसी टिप्स बताई हैं जिससे आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे ऑर्डर बुक होने के। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।